कांग्रेस हो या केजरीवाल, इनके मन में रोहिंग्या जो जबरन भारत में घुसे हैं या घुस रहे हैं उनके लिए तो अथाह प्रेम है, और लगातार पाकिस्तान में जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनका मारा जा रहा है, ऐसे हिंदू सिख जैन ईसाई बुद्ध, उनके प्रति मन में इतनी घृणा है। आखिर क्यों क्यों केजरीवाल साहब और कांग्रेस सीएए पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान में 28% अल्पसंख्यक जनसंख्या थी, हिंदू सिख जैन ईसाई बुद्ध पारसी, जो अब केवल 2% रह गई है। उनको लगातार धर्म के आधार पर अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्या केजरीवाल साहब और कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा, क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ देना मानवता है? क्या भारत ने 1947 में वहां रहे अल्पसंख्यकों की जीवन की कमिटमेंट नहीं की थी? क्या हमारी सरकारें वचनबद्ध नहीं थी? और आज तक कांग्रेस और आप जैसे दल भारत की सरकारों में रहते हुए सोते रहे, और पाकिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यक अत्याचार में पिस पिस कर अपनी बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए मरते रहे या धर्म परिवर्तन करते रहे। विभाजन की विभीषिका एवं देश को एक भारत श्रेष्ठ बनाने के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया, पर कांग्रेस पार्टी एवं वामपंथियों ने उन संघर्षों को, उन बलिदानों को भुलाने एवं कम करने का कटु प्रयास लगातार 7 दशक तक किया। इतिहास जानता है कि निजाम के देशों पर रजकरों की प्राइवेट सेना बनाकर हिंदुओं के गांव और शहरों को लूटा गया, लगातार लोगों को मारा गया, सामूहिक हत्याएं हुई, सामूहिक बलात्कार हुए, और हैदराबाद के क्षेत्र में निजाम के आदेशों पर राजकरों ने कई जलियांवाला बाग बना डाले। इतनी बड़ी त्रासदी को वोट बैंक की खातिर बुला दिया, पन्नों से मिटाकर छोटा करने का प्रयास किया। अब 75 साल बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सामने रखते हुए उन शहीद हुए वीरों को, अत्याचार में मारे गए वीरों को, असंख्य बलात्कार में अपनी जान गवाई बेटियों के जीवन को याद करने के लिए, और हैदराबाद की स्वतंत्रता जो कईयों के जीवन के बाद आई उसे याद करने के लिए लिबरेशन डे मनाने का जो फैसला किया था वो लगातार 17 सितंबर को मनाया जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने हमें अपने ही देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को पूरा करने के लिए शहीद हुए उन वीरों को याद करने का, गौरव को याद करने का दिन मनाने की प्रयास किया है। मैं उनका स्वागत करता हूं। जनता पार्टी सबका साथ सबका सम्मान सबके साथ चलने वाली पार्टी है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, 1990 में कौन था मुख्यमंत्री जब कश्मीर में से कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर निकाला गया, उनकी लाशों को गांव के बाहर टांग दिया गया, दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंक दिया? आपके वालिद फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे। किसने किया था? हिंदू मुस्लिम। किसने मरने के लिए कश्मीरी पंडितों को छोड़ दिया था? किसने पाकिस्तान की शह पर कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया था? उस पर सच बयां करें।